कोई भी तेरा दुख है, कोई तकलीफ है, कोई जीवन विच विघन है, इलाज एक ही है परमेश्वर का नाम। विघन विनाशन साब दुख नासन, गुर चरणी मन लागा, गुण गावत अचुत अविनाशी, आन दिन हार रंग जागा। जेड़े गुरु दे चरण पकड़ के परमात्मा दे गीत गाउंदे ने, उन्हां दे विघना दा विनाश हुंदा है, उन्हां दे जीवन विच्चों रोकां मिट जांदियां ने। सब दुख नासन, सारिया दुखां दा नाश हो जांदा है। Your all pains will be eliminated, सारे तेरे रोग सोग दुख तकलीफां पीड़ा मिटा देवेगा उहदा नाम। परमात्मा दे गुण गाउण दी इह बख्शिश है। देखो गुरु साहिब परमेश्वर दा सुभा है रोग सोग विघन मिटा देने। आपां सारे गुरु तेग बहादुर साहिब दा प्रकाश पुरब मना रहे हैं। महाराज देशां दशांतरां विच विचरे, लोकाई नूं तारिया। एक हड़ियाया पिंड दा जिक्र आउंदा है। गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह कटू तो चल के भैणी पुजे, तो महाराज दे घोड़े नूं सूल उठिया, पेट विच दर्द उठिया, उच्छे टिकाणा कीता, उच्छे इलाज कीता। रात पिंड फरवाही विराजे ने उथों संगतां नूं तारदे हुए पिंड हड़ियाया पहुंच गए। उच्छे एक झिड़ी दे लागे छपड़ी सी, उहदे कंडे महाराज ने डेरा कर लिया। जथे दे विच बड़े सिख ने, संगतां नाल ने। इस पिंड दे जिहड़े वसनीक ने उह बड़े अहंकारी सन, बड़ा हंकार सी उहनां नूं। महाराज दे रथवान उत्थे बलदां नूं चारदे ने, घोड़े घोड़ियां नूं चारदे ने, ते पिंड वाले लोकां ने वरज दित्ता वी तुसीं इत्थे घोड़े नहीं चार सकते, बलद नहीं चार सकते। इस पिंड दे लोकां लई इक मुश्किल सी वी इह तपे बड़ा रहिंदे सन, इन्हां नूं तपाली रोग सी। कई वार कुछ रोग कुछ इलाकियां तक सीमित हुंदे ने। इह जिहड़ा तपाली रोग सी इहदे नाल गले विच फोड़ा हो जाया करदा सी, गला घुट जांदा सी, कांबा छिड़दा सी, श्वास चंगी तरह अंदर बाहर नहीं सन हुंदे, और इंसान दी मौत हो जाया करदी सी। परिवारां दे परिवार इस रोग ने उजाड़ दिते। हुण महाराज गुरु तेग बहादुर साहिब रोग सोग हरता ने उन्हां दे चरणां विच कुछ दाने लोग इस नगर दे आए, बेनती कीती। तो महाराज ने उपदेश दिता भी तुहाडे अंदर हंकार बड़ा है, हंकार करके तुसी लोग तपे रहिंदे हो, तुहानू कई रोगां सोगां ने ग्रसिया होया है। तो किसे नूं दुख दिंदे हो तुहानू दुख चंबड़ गया। बाणी चाहुंदा है जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना। फसल तेरी है क्योंकि बीज तू बीजिया सी, ते जे हुण फसल माड़ी निकली है, झाड़ थोड़ा है, ते तू आंढ़ियां गवांढ़ियां नूं दोष दवे। महाराज कहिंदे नहीं, तेरा अपना बीज बीजिया है, चंगी मुशक्कत घाली हुंदी ते चंगा फल मिल जांदा, मुशक्कत नहीं घाली ते फल कट गया। परमात्मा दे गीत गाओ, रोग सोग मिटदे ने, आनंद रूपी फल प्रगट हुंदा है। नेक नामी बनो, नेक कर्म करो, खुशियां मिलनगियां। किसे नूं दुख दोगे ते दुख ही पाओगे।
फरीद जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा, फरीदा लोड़ै दाख बिजुरिया किकर बीजै, जट अंडा उन कताए दा पैंदा लोड़ै पट। जट ने बीजे ने कंडे, बीजियां ने किकरां, ते किकरां नू कंडियां नू कदे बिजौर दियां दाखा नहीं लगदियां, अंगूर नहीं लगदे। जे किकरां लाईयां ने ते कंडे ही चुगने पैने ने, ते जे वेल लाई हुंदी अंगूरां दी ते अंगूर पैदा हुंदे। कहिंदे माई दे कोल सी उन, उन्हें उनना शुरू कीता, बुनना शुरू कीता। जे उन दा उनिया होया लिबास माई आखे भी मखमल दा बन जावे ते ओ नहीं बनेगा। सो कहिंदे जो बीजिया है ओही वढ़ना पैंदा है। जे अज अखां विच कसुन दे के रोना पै रहा है, दुख दिता होवेगा किसे नूं, ये कंडे चुभ रहे ने, दुख भोग रहा है, ते कंडे विछाए होणगे किसे दे कदमां तले, इस जन्म विच नहीं ते पिछले जन्म विच। अकाउंट सैटल उहदा ही होया है जिन्हें नाम जपिया है, बाकी खाता चली जाना है। नेक कर्म मंदे कर्म ये सब जमा रहिंदे ने। महाराज कहिंदे तुसीं दुख दिंदे हो लोकां नूं, दुख आप पाउंदे हो। महाराज इसे करके ते तुहाडी शरण विच आए हां। उत्थे ना एक छपड़ी सी, चमारा दी छपड़ी करके मशहूर सी। हुण रोग हंकार दा है, जात पात दे अभिमानी बड़े ने, उच्ची जात दा माण बड़ा है। जिन्ना चिर मन दे भांडे विच हंकार है, नाम नहीं टिकदा, रब नहीं टिकदा। हर जीओ हंकार ना भावई। महाराज ने विचार कीती, इन्हां दा हंकार मिटाईए। कहिंदे चलो चमारा दी छपड़ी च चुभियां मारो। वो सोची पै गए भी असीं ते बाईकाट कर छड्या इन्हां दा, तो असीं इन्हां दी छपड़ी विच किवें चुभी लाईए, साडी ते जात उच्ची। महाराज कहिंदे चित्रकार एक है, सब मूर्तियां उहदियां साजियां ने, एक मिट्टी तो सब बने हो, माणका दा हंकार का दा बख्शिश नहीं होवेगी जिन्ना चिर हंकार नहीं मिटेगा। मरदे की ना कर दे, चमारा दी छपड़ी विच चुभियां लाउण लग पए। महाराज दी बख्शिश होई, दुख मिटन लग पए। जिवें जिवें चुभी लाउंदे ने तपाली रोग मिटदा जा रहा है। कुछ जात अभिमानी जेड़े इशनान नहीं सी करना चाहते, जदों उन्होंने लोकाई नू प्रफुल्लत होंदे वेख्या, रोग सोग मिटदे देखे, मारी दिया उन्होंने चुभियां लाइया। जदों ऐन नवें नरोए हो गए, गुरु साहब ने हुक्म कीता हुण चौंकड़े ला के नाम जपया करो। मन दे भांडे विच नाम टिक गया तो फिर हंकार नहीं टिकेगा, सदा ही नवें नरोए रहोगे तुसी। अज उस छपड़ी नूं गुरु सर आख्या जांदा है। ये गुरां दी बख्शिश, गुर के चरण कंवल रिद धारे, बिघन ना लागे तिल का कोई कारज सगल सवारे। जिन्हां दे अंदर गुरु दे चरण टिक गए, जिन्हां परमात्मा दे गीत गाए, उन्हां दे जीवन विच दुख ना रहे, रोग ना रहे, सोग ना रहे, बिघन ना रहे। महाराज कहिंदे ने जैसो गुर उपदेसिया, मैं तैसो कहया पुकार, नानक कहे सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार। गुरु उपदेश करदे ने, आए मना कीर्ति गाया कर, तेरा उधार होवेगा, तेरे जीवन विच कोई रोक नहीं रहेगी, सबे कारज संपूर्णता वल वधनगे, विघना दा नाश होवेगा। तन दे तल ते रोग मुक जाणगे, मन दे तल ते डिप्रैशन सोग मुक जाणगे। सो नाम दा ऐसा प्रताप है, परमात्मा दा नाम तत्काल ही रोग लई दवाई बनदा है,